मैंने मेरी पैंट के अंदर भगवान ट्रिविया पहना, उतरवा लो, उतरवा लो ना, उतरवा लो। कैसे सनातनी, आप कैसे सनातनी? अरे उतरवा लो, उतरवा लो आप उस गाने के अंदर, और आप उसमें बता दीजिए उसमें किसी भी रंग का अगर नाम लिया हो, ये बताइए ना आप मुझे, उसमें नाम लिया गया है भगवा का? भगवा तो दिखाया गया ना। अरे यार एक बात आप मुझे बताइए कि दिमाग से मानसिक तौर पर आप परेशान है क्या? आपके पास तो सवाल तय होते हैं, आप तो चाहते हैं कि इसी के नाम पर 2024 का पूरा इलेक्शन लड़ लें। अगर ये फिल्म अभी 23 की जगह 24 में रिलीज हो रही होती ना, तो ये पत्रकार भोंपू लेके पूरे 24 तक पठान 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 करते रहते। आपसे पूछ के हटाएंगे, आपसे पूछ के हटाएंगे, आपसे पूछ के हटाएंगे। आप है कौन? क्यों भगवान, भगवान आप है कौन? आप है कौन? आप अंडरवियर पहनेंगे भगवान लड़की? अरे जब कंपनी बेच रही है तो पहनने में क्या दिक्कत है? This video sponsored by North Karnataka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar. Villas and cottages, swimming pool and cocktail lounge, indoor and outdoor games, boat dining, sunset viewpoint, various selfie points and much more. सबसे पहली बात तो कि आप हिंदू एक में गाली देगा तो पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिएगा, आप या तो आप ही चिल्ला लीजिए। आप हिंदू और मुसलमान के चक्कर में इस हिंदुस्तान को भूल चुके हैं। आप इस हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी, इकोनॉमी, इन सबको भूल चुके हैं। आप उन लोगों को तवज्जो दे रहे हैं तभी तो वो पोस्टर फाड़ रहे हैं। गुजरात की पुलिस क्या कर रही है? गुजरात की पुलिस को उठाकर उनको बंद करना चाहिए। और अगर गुजरात की पुलिस ने बंद नहीं कर पा रही है तो, और अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे लोगों की भावना को आहत हुआ है, तो भैया पहले मनोज तिवारी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात ये कि एक बात मुझे आप बताइए कि वो जो भगवा वस्त्र हैं वो शाहरुख खान ने पहने हैं या दीपिका पादुकोण ने, पहले ये बताइए। ये कह रहे हैं ट्रेलर है, ये जो पोस्टर फटे ना ये ट्रेलर है। अच्छा, बहुत फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? नहीं क्या करेंगे आप? उसके क्यों बढ़ेगा विरोध कर? आपको सुनिए, आपको हिटलर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतांत्रिक देश के अंदर हर एक व्यक्ति को राइट है। और दूसरी बात ये कि सेंसर बोर्ड, अगर सेंसर बोर्ड ने उसके अंदर का वो सीन वो क्लिप नहीं कट करी, आप सेंसर बोर्ड से बात करिए ना, आप राष्ट्रपति को लेटर लिखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते ही नहीं करते, आप इतने सारे पत्रकार हैं। सेंसर बोर्ड ने काट दिया सीन, आप लोग के मुंह पे तमाचा है, जो समर्थन में खड़े थे। अरे तो फिर आप काय बात का बायकॉट कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अब क्यों बायकॉट कर रहे हैं फिर? अब किस चीज का बायकॉट, ये बताइए फिर आप, ये बताइए ना आप किस चीज का बायकॉट? शब्द मिक्स थोड़ी जाता है, जो जो सॉन्ग तो चल ही रहा है। क्या सॉन्ग है? रंग। आप अगर मुझे कोई भी, इतने सारे पत्रकार है, अगर कोई भी चैलेंज दे दे उस गाने के अंदर, आपको मैं बताता हूँ 195 195 शब्द हैं उस गाने के अंदर, और आप उसमें बता दीजिए उसमें किसी भी रंग का अगर नाम लिया हो, ये बताइए ना आप मुझे, उसमें नाम लिया गया है भगवा का? तो भगवा तो दिखाया गया ना। अरे यार एक बात आप मुझे बताइए कि दिमाग से मानसिक तौर पर आप परेशान है क्या? आप कोई मानसिक तौर पर आपको कोई परेशानी आपको जवाब है? नहीं है तो पर्सनली अटैक करते हैं। पर्सनली अटैक क्या? आप मानसिक तौर पर मेरे ख्याल से परेशान हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, इनको तब नहीं दिख रहा। आप तय करेंगे हम क्या क्या बात करें आपसे, क्या चलाएं नहीं चलाएं, आप तय करेंगे। मीडिया को सवाल आप देंगे, आपसे क्या पूछ रहे हैं? अरे मैं कैसे, आप मीडिया से, आपको जवाब सवाल दूंगा। आपके पास तो सवाल तय होते हैं, आप तो चाहते हैं कि इसी के नाम पर 2024 का पूरा इलेक्शन लड़ लें। अगर ये फिल्म अभी 23 की जगह 24 में रिलीज हो रही होती ना, तो ये पत्रकार भोंपू लेके पूरे 24 तक पठान 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 करते रहते। मुझे पता है आप लोग हिंदू मुसलमान लोग में आपको बहुत टीआरपी बटोरते हैं, मजा भी आ रहा है आपको बहुत। तो ये हिंदू मुसलमान छोड़िए, देश के अंदर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे जो विरोध हो रहा है, देश की जो इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है, देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, उस पे आप चर्चा करिए। सब अच्छा अच्छा देश में चल रहा है, जो सारे सनातनी करें पहले धर्म बचाएंगे, उसके बाद ये सब बचाएंगे। क्या चीज़? सारे सनातनी करें पहले धर्म बचाएंगे, धर्म बचेगा सब बचेगा। एक मिनट, आपने एक, मैं आपको बताता हूँ, एक बाबा का आपने भाषण सुना होगा जो अब्दुल हमीद के लिए बोल रहे थे, ठीक है ना? धर्म की जो आप बात करें ना, अब्दुल हमीद कौन थे? कौन थे अब्दुल हमीद बताएंगे आप? बताइए कौन थे? एक मिनट रुकिएगा, इनसे पूछते हैं, बहुत चिल्ला रहे थे, बताइए हु इज दिस अब्दुल हमीद, बताइए। सारे सनातनी कह रहे हैं बचाना है धर्म को पहले, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे उनके लिए आप? क्या कहेंगे उनके लिए आप? उनको भी आप हिंदू मुसलमान के नाम पर मीर उस्मान अली कौन थे? अश्फाकुल्ला खां कौन थे? राजगुरु सुखदेव कौन थे? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या आप इस देश के अंदर, बहुत ही छोटा सा सवाल है और प्लीज मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिएगा, आप मत बोलिएगा, ठीक है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, और प्लीज आप सभी लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। क्या इस देश के अंदर 2014 से लेकर अब तक इस देश के अंदर इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है? क्या आप लोगों का धर्म या मेरा धर्म कोई इतना छोटा धर्म है कि उसको किसी कपड़े से उसकी भावना को ठेस पहुंच जाएगी? आपके धर्म को तब ठेस नहीं पहुंचती है जब भगवान के और माता रानी के पोस्टर शौचालय की दीवारों पर लगाए जाते हैं, तब आपके धर्म को ठेस नहीं पहुंचती है। और आप कब तक
इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर फिल्मों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते और झगड़ते रहेंगे। आपके पास में कोई और इशू नहीं बचा है? आपने कभी इस भारत देश के मुल्क के लिए सोचा है कि ये मुल्क कैसे और किस तरीके से सरवाइव कर रहा है? इस मुल्क का नौजवान आज अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस मुल्क के जवान वहाँ सरहद पे खड़े हुए हैं, इस मुल्क का किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आप कभी भी इस मुल्क के लिए नहीं सोचते। आपने सोचा है, सुनिए, आपने सोचा है तो सिर्फ इसलिए आप रात को सोते हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट करें हिंदू और मुसलमान के लिए। आप रात को सोते हैं तो आपके मन में सिर्फ यही आते रहेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं बॉलीवुड वाले, एक बात आप मुझे बताइए, तब आपके मुंह पर चप्पल और जूता कैसा लगता है जब एक मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा करता है? तब तो आप भौंपू लेकर नहीं आते कि एक इस देश में मुसलमान का बेटा बजरंगी भाईजान का किरदार अदा कर रहा है, तब तो आपके मुंह पर कड़ा तमाचा लगता है ना, क्योंकि जब जब देश एक होता है उसी के आर में आप लोग ऐसी हरकत करते हैं, उसी के आर में क्या बजरंगी भाईजान बना करके उसके बाद फिर हिंदुओं का अपमान करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तिलक लगा करके हिंदू के नाम पर करेंगे, उतरवा लो, उतरवा लो ना, उतरवा लो। कैसे सनातनी आप, कैसे सनातनी? अरे उतरवा लो, उतरवा लो, कैसे सनातनी आप? भगवान लंगर पहनेंगे मोहित शर्मा, कैसे सनातनी है? अरे ये तो जाके जो कंपनी बना रही है उससे पूछो, जो कंपनी बना रही है हटा दीजिए, तिलक हटा दीजिए ये चोटी आप अपना। आपसे पूछ के हटाएंगे? आपसे पूछ के हटाएंगे? आपसे पूछ के हटाएंगे? आप हैं कौन? क्यों भगवान भगवान कर रहा है? आप हैं कौन? आप हैं कौन? आप अंडरवियर पहनेंगे भगवान की लड़की? अरे जब कंपनी बेच रही है तो पहनने में क्या दिक्कत है, ये बताइए ना। और दूसरी बात ये, एक बात आप मुझे बताइए कि बहुत सारी चीजें जो ऑरेंज कलर में आती है सब चीज को त्याग देंगे, मोहित इधर देख के सब चीज का बहिष्कार कर देंगे, ये बताइए ना आप मुझे कहाँ से आए हैं, मंगल से उतरे हैं? सनातनी है कि नहीं आप ये बताएं पहले। आपको बहुत पता है ना हिंदू धर्म के बारे में, बताइए, सुनाइए जरा, गायत्री मंत्र है, बहुत सनातनी सनातनी। हम तो नहीं है सनातनी, आप सनातनी है, है? आपको अपने धर्म के बारे में पता है? है? हमें पता है, जितना पता होना चाहिए। आपको पता है अपने धर्म के बारे में? क्या नाम है? नहीं आप दूसरे हो, ज्ञान नहीं देते हैं। आप बताइए ना, आप टीका लगा लेते हैं और आप कहते हैं कि हम भगवान नकली हिंदू है, नकली हिंदू नहीं लगाऊं? आपसे पूछ के लगाऊंगा, आपसे पूछ के लगाऊंगा, आप होते कौन? भगवान का अपमान करेंगे? कौन सा? आप भी अपमान करेंगे? कौन सा अपमान कर दिया गैंग से? तभी तो लोग आपको कहते हैं आप टुकड़े टुकड़े गैंग से। अरे आप बताएंगे मुझे मैं कौन सी गैंग से और कौन सी नहीं? आप कौन सी गैंग से हैं? आप अभी सुनिए, देश की इकोनॉमी कितनी है देखते हैं, कितने पढ़े लिखे पत्रकार हैं इनके पास। मैं सवाल का जवाब दीजिए। पठान मूवी में, एक मिनट, पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने कौन से कलर के कपड़े पहने? कौन से कलर के? आप क्या देंगे? ऑरेंज कलर का है। मैं क्या बताऊं? कौन सा? मोहित शर्मा पठान मूवी देखने जाएंगे? अरे सुनिए तो पहले, आप लोग एक काम करिए, आप लोग आपस में चिल्ला लीजिए, चिल्लाइए। अरे सुनिए ना आप, अरे ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पता है आप जो है आप संबित पात्रा को फॉलो करते हैं, मुझे पता है संबित पात्रा के फॉलोवर है, लेकिन इतना मत चिल्लाइए भैया। क्या संबित पात्रा को फॉलो करना क्या बुरा है? पार्टी के बिल्कुल आपकी पार्टी को फॉलो करने वाले हैं। देखा, ये कह रहे हैं इनकी पार्टी के प्रवक्ता है, आप भी तो बीजेपी से ही हैं, आप भी तो बीजेपी से ही हैं। बीजेपी से आप होंगे क्यों? आप बीजेपी से नहीं हैं? नहीं है बीजेपी से? मोहित, पहले मेरे को पूरा करने दीजिएगा, पहले मेरी बात, सवाल उधर से ले लो। दीपिका पादुकोण ने कैसे कलर के वस्त्र पहने पठान मूवी में? एक मिनट सुनिएगा, सब सुनिए आप। अरे ऑरेंज कलर है, भगवा कलर है, आप इतना कर बताइए। सुनिए, दीपिका ने वही पहना है जिस कलर का आपने अंडरवियर पहना हुआ है अभी। कौन सा? आपने मेरे अंडरवियर भी देख लिया? आपने बोला है कि भगवा कलर का। अरे आपने अंडरवियर भी देख लिया? अभी तो बोला अभी भगवा कलर का। भैया माइक है, उनको पता है, जो देख रहा है उनको पता है। ये माइक है या एक्सरे मशीन आपके पास? अरे आपने माइक है, एक्सरे मशीन आपने बताया ना कि हमने वो कलर का पहना हुआ है। अरे यार सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप लोग ना इतने बेशरम लोग, बेशरम तो आप है जो भगवा कलर के अंडरवियर में घूमते, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने देखा है? आपने अभी बोला, आपने देखा है? आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है क्या बोलते हैं? अरे सुनिए, ये कह रहे हैं कि मेरी वाणी पे कंट्रोल नहीं है, आप मेरे एकाएक विरोध का स्तर इतना गिरा देंगे, आप कुछ भी बयानबाजी करेंगे सस्ती लोकप्रियता के लिए। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं बह रहा हूँ क्या कान से? आप पागल वागल हो गए हैं क्या? आपको मानसिक अपनी बात से आप पलट रहे हैं, जो कि कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर बात से पलट रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं दीपिका ने कौन सी कलर की बिकनी पहनी है? मेरी बात आप नहीं देखते, आपके मोतियाबिंद थोड़ी हो गया आपको। बाप रे बाप, ये तो इतने, ये मुझे लग रहा है आज मोदी आई संबित पात्रा ने पर्सनल ट्रेंड किया है। भाई कूल डाउन, चिल मारो, थोड़ा सा सुनो यार, सवाल सुनो जरा, जवाब भी लो, ये चिल्लाते रहोगे बड़ा इंटरेस्ट। हाँ देखो आज कौन कौन सी क्लास से ले, कौन कौन व्यक्ति क्लास से आए जरा बताइए, चिल्लाई चिल्लाई। ईमानदार पत्रकार, देखा देखा, एक ही ईमानदार, एक तू भाई, दो आ गए, और कौन कौन है क्लास से? कुंभकर्ण मत बनो, तीसरा तीसरा, और कौन कौन है? हिंदू बन जाओ मोहित शर्मा, कुंभकर्ण मत बनो। ईमानदार है आप, तय नहीं करेंगे कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं, आप तय नहीं करेंगे। अच्छा, सारे ईमानदार हैं, सारे अपना काम करते हैं। यार आप, यार एक बात सुने, मेरी बात को सुन लीजिए, ये जो है जवाब सुनने का इनमें दम है नहीं, आपको बोलने का दम नहीं है, चिल्ला रहे भाई आप, आज मोहित शर्मा का जवाब नहीं है एक्चुअली। अरे भाई जवाब आप सुनना ही नहीं चाहते, आप चिल्लाओगे तो क्या सुनेगा कौन, ये बताइए ना। आप चिल्ला नहीं तो आप चिल्ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप आ जाइए ना, चिल्लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोल रहा, बोलो।
अब मेरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, पहली बात इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर भगवा से भावना को हाथ पहुंची। हिंदुज्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो हिंदुज्म एक बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है ना। इस भगवा वस्त्र को जो है आप देखते हैं, जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं वो लोग भी पहनते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे इसको सिख समाज के अंदर तो उसमें भी आपको ये भगवा वस्त्र पाया जाएगा।